नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से करण बोलता हुआ नजर आएगा कि ये बताओ तुम्हें चलना है या नहीं चलना है। आप लोग जानते हैं कि चलने ना चलने के लिए भी इस समय काफ़ी बड़ा झगड़ा होता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो हो रहा था वो बेहद ही ज़्यादा अलग तरीका से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अपना एक अलग ही बात रखता हुआ नजर आ रहा है करण। हालांकि प्रीता भी मौजूद है वहाँ पर, राजवीर भी मौजूद है, और राजवीर किस तरीका से लगातार देख रहा है क्योंकि एक हक वाली बात बोलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर करण। क्योंकि करण यहाँ पर अपना हक जमाने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है, और करण का ये कहीं ना कहीं हक भी है दोस्तों। आप लोग जानते ही हैं कि अपना हक किस तरीका से जमाना है वो करण को अच्छी तरीका से आता भी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई और भी चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं कि जो देखने लायक हो चुकी हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब करण ही कुछ बोलता हुआ नजर आएगा प्रीता से कि प्रीता लगता है हमें यहां से चलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से ले जाने के लिए अब करण एक बार फिर से नई कोशिश बोलता हुआ नज़र आ रहा है, और नई कोशिश भी वो किस तरीका से करेगा एक बार फिर से एक कहानी और दर्शाती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। जी हाँ, मेरा नाम है रोहित नागर, जल्दी ही आप लोगों के लिए कहानी का एक और भी बेहतरीन ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लूथरा परिवार के खिलाफ यहाँ पर सैलन का बेटा फिर से चाल चलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सैलन का बेटा ऐसी चाल चलेगा कि जो कि किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वो बेहद ज़्यादा अलग होता हुआ ही नज़र आ रहा है दोस्तों। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में फिर से बेहद बड़ा बदलाव देखने को मिलता हुआ नजर आएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा।